Hello students, welcome to the session. I am Manisha. Today we are going to learn the topic which is the subpart of tens. In my previous video we have discussed about the some vocab. Let's quick revision about this vocab. First word is ten, means gentle, sida sada. Second word is rebel, roben, bal, means bhedbha. Third one is dread, dread means tall, fear. Fourth one is nap, means pakad lena, grab. Mulish, mulish means jiddi, obstinate, adamant. We will also check the quick revision of simple present and simple past and simple future tense. In simple present tense, subject plus verb ki first form plus object and do and does. In the simple past tense, subject plus verb ki second form plus object yesterday and did. In simple future tense, subject plus will or shall plus object plus verb ki first form. जैसे कि हम present पास्ट और फ्यूचर के रूल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. प्रेजेंट जिसको हिंदी में बोले तो ता ते ती, इसकी पहचान ये थी. पास्ट के बारे में बोले तो हमने ये काम किया. अगर हम फ्यूचर के बारे में बोले तो फ्यूचर के बारे में नथिंग इज डिसाइडेड, कुछ भी नहीं डिसाइडेड होता. जैसे हमें ये नहीं पता था कि फ्यूचर आने वाले टाइम में अभी कोरोना आ जाएगा और टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस देंगी और बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, इसके बारे में कुछ भी नहीं डिसाइडेड होता. लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. Every student will watch the video till the end because in the end we will discuss about the five new vocab. Now continue about the topic which is the present continuous tense. Present continue. Continue. Continue का मतलब क्या होता है? Continue मतलब जो काम process में हो रहा है. Present. Present जैसा कि हम discuss कर चुके हैं, यानी कि वर्तमान काल. वर्तमान में जो चीजें continuation में चल रही हैं, जो कि रुकी नहीं है. जैसे हमने प्रेजेंट के बारे में, सिंपल प्रेजेंट के बारे में जब डिस्कस किया था तो उसमें क्या था? हमारा सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, एस और ईएस थी, प्लस ऑब्जेक्ट था. इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, है तो ये भी प्रेजेंट टेंस. इसमें क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट तो ऐसे कैसा रहेगा, क्योंकि मैं आपको बस सब्जेक्ट के बारे में बता चुकी हूँ कि हमारे सब्जेक्ट तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ऐसे इसमें सब्जेक्ट तो आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी. इसमें चेंजेस क्या होंगे वो आप सब ध्यान से देखेंगे कि जो कंटिन्यू है, कंटिन्यू में क्या होगा? हमारा आई एन जी जो कि लग जाएगा, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट. बस इतना सा चेंज है. सारे बच्चों को बिल्कुल ध्यान से नोट डाउन करना है और जो मैं चेंजेस बता रही हूँ और जो मैं रूल बता रही हूँ, अगर आप मेरे साथ साथ चलोगे तो आपको किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो हम रूल्स लिख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एज अ प्रेजेंट कंटिन्यू. प्रेजेंट मतलब जो हमारा वर्तमान में हो रहा है. कंटिन्यू जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा प्रोसेस में काम चल रहा है. दिस टेंस, अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलें तो दिस टेंस इज यूज्ड एन एक्शन इन द प्रोग्रेस. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, जो काम हमारा प्रोग्रेस में चल रहा है. अगर हम इसके की वर्ड्स लें, अगर हम इसको पहचाने, अभी कई स्टूडेंट्स का सवाल होगा मैम स्टूडेंट इसको हम पहचानेंगे कैसे? कंटिन्यू ठीक है, वो हमने जान लिया कि कंटिन्यू का मतलब होता है जो काम प्रोग्रेस में हो रहा है. लेकिन इनको पहचानने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स की जरूरत होती है, वो मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट कीवर्ड इज नाउ, सेकंड कीवर्ड इज स्टिल. एट द मोमेंट, हम हमेशा बोलते हैं वी डू दिस वर्क एट द मोमेंट, हमें ये इस मोमेंट में काम करना है. अगर हम इसकी हिंदी में पहचान बोले तो वो काम कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं हर टाइम पर ये काम जो है कर रहा है, इससे ही इसकी पहचान की जाए. तो इसीलिए इंग्लिश में कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसकी हेल्प से हम प्रेजेंट कंटिन्यू के बारे में जानेंगे. तो फर्स्ट वर्ड मैंने बताया नाउ, इसका मतलब होता है अब. स्टिल का मतलब भी अभी, एट द मोमेंट, प्रेजेंट में, प्रेजेंटली. तो इन कीवर्ड्स को बिल्कुल स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स नोट डाउन केयरफुली एंड अटेंटिवली. नाउ फर्स्ट सेंटेंस, अब मैं सेंटेंस बताने जा रही हूँ, सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे. इट इज रेनिंग आउटसाइड. देखो जैसा मैंने बोला था, हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या आया है? इट. इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी है इज. मैंने आपको बताया था अगर हमारी जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम सिंगुलर यूज करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ हम वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज करेंगे? प्लूरल. तो इट इज रेनिंग. रेन क्या है? बारिश. इसके साथ हमने क्या लगाया? देखो आई एन जी. क्या लगाया? ing. तो ये मेन हमारा मोटिव है, आउटसाइड, बाहर क्या हो रही है? रेनिंग हो रही है. सी इज नॉट वर्किंग, वो अभी क्या नहीं कर रही है? काम नहीं कर रही है. ing. देखो स्टूडेंट जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आप
फोर और फाइव सेंटेंस नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ आया या नहीं आया। थर्ड वन इज ही क्या है, ये भी एक सब्जेक्ट है। इज क्या है, इसके साथ जो लगने वाली हेल्पिंग वर्ब है। आईएनजी भी क्या है, जो हमारे कंटिन्यू को शो करे। मैंने बार बार बता रहा हूं स्टूडेंट्स, आईएनजी हमारे कंटिन्यूएशन को शो करेगा, मतलब जो काम प्रोग्रेस में हो रहा है। इन द वाटर, तो हमने तीन थ्री सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस किया। इट इज रेनिंग आउटसाइड, सी इज नॉट वर्किंग, ही इज स्विमिंग इन द वाटर। जैसे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यू के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है कि हमारा काम चल रहा है। कंटिन्यू का मतलब ही होता है कि जो काम प्रोसेस में चल रहा है। नाउ हियर आई एम डिस्कस अबाउट द पास्ट कंटिन्यू टेंस। इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, जैसा कि मैंने कंटिन्यू का वर्ड मीनिंग ही आपको बताया है कि जो हमारा प्रोसेस में काम चल रहा है। इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, वो चेंज क्या है कि हमें पास्ट में अभी अभी हम जो है काम कर कर रुके हैं, मतलब उसको करे हुए या 1 मिनट हो गई है, 2 मिनट हो गई है, लेकिन काम हो सकता है कि वो जो अग रुके हैं वो काम अभी भी चल रहा हो। मतलब पास्ट से होने वाली कोई भी एक्टिविटी जो अभी तक हमारे कंटिन्यूएशन में चल रही है। जैसे दिस टेंस इज यूज्ड फॉर पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अभी अभी पास्ट एक्शन हुआ है और अभी भी प्रोग्रेस में चल रहा है, इसको पहचानने के भी कुछ की टर्म्स होते हैं जिसके हेल्प से आप पास्ट कंटिन्यूएशन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, ही वॉज बिजी इन पैकिंग लास्ट इवनिंग। देखो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसके हेल्प से हम इनके बारे में जानेंगे। तो लास्ट इवनिंग हमारा क्या है, इसकी हेल्प से हमने जाना कि अभी अभी जो है ही वॉज बिजी, वो बिजी था किस चीज में, पैकिंग में। कब, लास्ट इवनिंग को, ठीक है। हमारा जो सेकेंड सेंटेंस है वो क्या है, इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच्ड हियर। मैंने क्या देखा, इट वॉज स्टिल रेनिंग, वहां पर अभी भी रेनिंग हो रही थी। कब हो रही थी, When I reached here, जब मैं वहां पर पहुंचा। तो हमें क्या पता चला इन वर्ड्स की, वर्ड डाउन की वर्ड से हेल्प से, कि ये हमारे सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यू टेंस में है। Now we will do the last part of the future continuous tense. Future, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इससे पता चलता है कि फ्यूचर का जो है कंटिन्यू, फ्यूचर में जो कंटिन्यू में रहने वाला टेंस है, जो एक्टिविटी है, उसके बारे में ये चीजें डिनोट करती है। जैसे अगर हम इसकी डेफिनेशन लें, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इट यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस, जो फ्यूचर में भी प्रोग्रेस में चल रहा है। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में लिया, हमारा जो टेंस है वो हमारा कंटिन्यूएशन में चल रहा है, पास्ट में हम कर चुके हैं, अभी अभी कर कर हटे हैं, और फ्यूचर में क्या है, जो हमारा फ्यूचर में एक्शन जो है हमारा गोइंग ऑन होने वाला है। अगर हम इसी को एक सेंटेंस की हेल्प से लेते हैं, जैसे कि विद अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक परफेक्ट टाइम के बारे में बताता है जो कि फ्यूचर में होने वाला है। He will be going to Pune by car today. वो आज जाएगा, लेकिन he will, देखो मैंने आपको will और shall के बारे में पहले ही प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। He will be going, देखो यहाँ पर ing भी लगा हुआ है, ing की help मैंने अभी बताया था continuation के process में ing जरूर लगेगा। To Pune by car today, तो वो जाएगा किसकी help से, today जाएगा किसकी help से, by car। राहुल विल बी वॉचिंग मूवी ऑन टीवी नाउ, राहुल जो है नाउ मतलब अभी देखेगा, गागेगी की हेल्प से हमें फ्यूचर कंटिन्यूएशन के बारे में पता चला। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, हम वीडियो के एंड में फ्यू वोकैब करेंगे, तो मैं आज आप सबके सामने फ्यू वोकैब लेकर आई हूँ। तो सारे बच्चे वीडियो ध्यान से देखेंगे और इन वोकैब्स को बिल्कुल ध्यान से नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट वोकैब है हमारी विगिंग, विगिंग का मतलब होता है फटकार, फटकार लगाना। सेकेंड वर्ड हमारा ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मूर्ख। थर्ड वर्ड पैप, पीईपी पैप, पैप मतलब होता है जोश, जोश आ जाना। फोर्थ वन इज पैफ प्रैफ, पर्सपायर मतलब होता है पसीना, स्वेटिंग भी बोलते हैं जिसको हम। ब्रैंडिश, धमकी देना, तो आप बोल सकते हो आई ब्रैंडिश यू इफ यू डोंट डू दिस वर्क। एंड लास्ट वर्ड हमारा है कोमोव, कोमोव का मतलब होता है उकसाना, किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए भी उकसाना। तो आप ये वर्ड्स बिल्कुल ध्यान से करेंगे इन वर्ड्स को, और इन वर्ड्स को जितना हो सके आप ये सोचेंगे कि हम एक सेंटेंस मेकिंग भी कर सके, सेंटेंस फॉर्मेशन भी बना सके। थैंक यू सो मच।